तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो मेरा सैलरी है वो आ चुका है और सैलरी कितना है उस पर भी मैंने एक वीडियो पे डिस्कस किया था। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया था जो मैं आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के इस वीडियो में उस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। क्यों? मेरा जो सैलरी था वो 30,000 था और एक दूसरा जो मेरा फ्रेंड है उसका सैलरी 25,000 था। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ है, जो हमारा स्टेट है, यहाँ पे जो मोबाइल मेडिकल यूनिट है ये गवर्नमेंट के साइड से चल रहा है, बट कुछ जो एरिया है जो कवर नहीं हो पा रहा था गवर्नमेंट के साइड से, जो गाड़ियाँ एम्बुलेंस जो चल रही थी मोबाइल मेडिकल यूनिट की, कुछ जो एरिया था वो कवर नहीं हो पा रहा था, जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, मतलब जो बहुत आउट का एरिया है, एकदम आउटर एरिया है, जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं पहुँच पा रहे थे। क्योंकि देखो, सब जगह पे कवर कर पाना और ये पूरा जो सिस्टम है, अगर इसको स्टार्ट करना है तो एक बैग आप पूरे एरिया को कवर नहीं कर सकते। पूरे जो स्टेट है, हर स्टेट का जो एक एक एरिया, जहाँ जो डेवलप नहीं है, जहाँ पे ठीक से लाइट नहीं आ रहा है, जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, जहाँ पे केवल मितानिन ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो वैसे जगह को कवर कर पाना एक बार में इस पूरे प्रोग्राम को सेट करना दिक्कत था। इसलिए हुआ ये कि गवर्नमेंट के साइड से पहले कुछ गाड़ियाँ निकाली गई और गाड़ियों को जैसे जो मेन मेन सिटी थी और जो आउट का जो जगह था वहाँ वहाँ पे भेजा गया। बट दिक्कत ये हो रहा था कि कुछ जो आउट का एरिया था वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं पहुँच पा रही, मतलब गाड़ियों का कमी हो जा रहा था। इसलिए वहाँ पे जो प्राइवेट जो होते हैं, जैसे आपका 108 है और मैतारी एक्सप्रेस जो चलता है, इनके थ्रू टेंडर भरा गया और टेंडर पे इनको MMU का जो सर्विस है वो मतलब मिला कि आप भी मतलब इसमें पैसा मतलब इन्वेस्ट करके एक एम्बुलेंस उन्होंने तैयार करवाया। जिस जिस एरिया में गाड़ी नहीं चल रहा था, मतलब एम्बुलेंस नहीं चल रहा था, वहाँ वहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि वहाँ पे एम्बुलेंस का जो सर्विस था NGO की साइड से प्रोवाइड कराया गया। और ये जो सर्विस था इस पे पर्टिकुलर जो सैलरी था वो फिक्स नहीं था। सैलरी को जैसा डॉक्टर का एक्सपीरियंस था और जिस टाइप का एरिया था उस हिसाब से, मतलब सैलरी ये समझ लो कि जैसे कोई डॉक्टर आया और देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर का कमी है, यहाँ पे डॉक्टर एकदम ज़रूरी है, तो वहाँ पे सैलरी थोड़ा बढ़ा के दिया गया। और जहाँ पे लगा कि यहाँ पे ऑलरेडी एक गाड़ी चल रही है या एक गाड़ी जो ऑलरेडी चल रही है और वहाँ से कुछ दूर पे एक गाड़ी और जा रही है, तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स गया उसका अगर एक्सपीरियंस कम था तो वहाँ पे सैलरी को कम किया गया। तो ये सभी चीज़ें जो गवर्नमेंट के साइड से गाड़ी चल रही हैं वहाँ पर जो सैलरी है वो ज़्यादा है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। बट जो प्राइवेट NGO के साइड से जो गाड़ी चल रही है वहाँ का जो सैलरी है वो थोड़ा सा कम है। बट ये जो प्रॉब्लम है, जो प्राइवेट तरीके से जो चल रहा है, जो एक NGO के माध्यम से जो चल रहा है, इसमें सैलरी का थोड़ा सा दिक्कत है। क्योंकि देखो, एक एवरेज जो BMS डॉक्टर जो 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस लेके आया होता है, मिनिमम 30,000 से 40,000 सोच के ही आता है भाई। अगर 6 से 8 घंटे का अगर कोई टाइम आप वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हो 6 से 8 घंटे का, तो आप सोचते हो कि कम से कम 30,000 से 40,000 एटलीस्ट तो मिले। बट होता ये है कि आप फ्रेशर हो, डायरेक्ट आप BHMS कंप्लीट करके आए, BUMS कंप्लीट करके आए या फिर BMS कंप्लीट करके आए और डायरेक्ट आप MMU में ज्वाइन कर लिए, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका स्टार्टिंग सैलरी 20 या 21 हज़ार रुपये है और धीरे धीरे करके हर साल बढ़ते बढ़ते आज 28 या 30 हज़ार हुआ है। तो कुछ लोग ही ऐसे हैं जो NGO के थ्रू एम्बुलेंस में काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट की साइड से NGO मतलब इसमें एम्बुलेंस में जो काम कर रहे हैं मोबाइल मेडिकल यूनिट में, उनका सैलरी मतलब ये समझ लो कि 30 के अबव ही है। BAMS के जो डॉक्टर्स हैं, BUMS के डॉक्टर्स हैं, BHMS के डॉक्टर्स हैं, MBBS हैं। तो आज का ये जो वीडियो था आपके डाउट को क्लियर करने के लिए बनाया हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर मैं एम्बुलेंस MMU में मोबाइल मेडिकल यूनिट में अगर ड्यूटी कर रहा हूँ तो उसका पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। इन फ्यूचर अगर आप में से जो स्टूडेंट है, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिनको MBBS नहीं मिलता है, BDS नहीं मिलता है, या BAMS मान लो नहीं मिला, BHMS मिला है, BUMS मिल रहा है, तो कोई सा भी कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो उसके बाद आपके पास ये भी एक ऑप्शन रहेगा जो जिसके मतलब जिसके थ्रू आप एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो।
एक अच्छा खासा सैलरी भी आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, 25 से 30 हज़ार, फिर धीरे 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 करके वो इंक्रीज होता है। ये सवाल बार बार कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि डायरेक्ट अगर BMS फ्रेशर है डायरेक्ट ज्वाइन कर लें, क्या उनको भी 30 हज़ार या 35 हज़ार मिल जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज हमेशा आप याद रखिएगा, केवल इस एक्सपीरियंस स्किल का ही पैसा दिया जाता है। कोर्स आप BUMS हो, चाहे BHMS हो, चाहे BAMS हो, चाहे MBBS हो, आपको आपके पास स्किल है। अगर आप हैंडल कर सकते हैं इमरजेंसी से इमरजेंसी कंडीशन को, सिचुएशंस को, उस हिसाब से ही आपको पैसा दिया जाता है, वैसे ही आपका सैलरी बढ़ता है। तब आप डिमांडिंग हो सकते हो, तब आप बोल सकते हो कि हाँ मेरे को 60 हज़ार रुपये का जो पैकेज है वो मिलना चाहिए, तब मैं 6 घंटे का ड्यूटी करूंगा। ऐसा होना चाहिए। विदाउट एक्सपीरियंस अगर आप सोचोगे कि ऐसे डायरेक्ट मिल जाए, तो ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं मिलता है। बिना मेहनत के कोई भी चीज़ नहीं मिलता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो बस आज के वीडियो को बनाने का मेन पर्पज यही था कि आपके जो डाउट्स हैं MMU को लेके उसको क्लियर कर दिया जाए। तो आज जन्माष्टमी है, तो आप सभी को, मेरी फैमिली को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को, दिल से थैंक यू। अगर आपके कुछ डाउट्स हो मेडिकल कोर्स को लेके, तो बिल्कुल आप इंस्टा पे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दे दिया है। मेडिकल कोर्स को लेके अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो, वहाँ बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ। आप सभी को दिल से थैंक यू।